आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गलातियों की पत्री चौथा अध्याय। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मे आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था के नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं।